सर मैंने लास्ट ईयर मेरे एक स्कूल फ्रेंड है उसका जॉब प्रमोशन के लिए हीलिंग स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट डे जब मैंने हीलिंग स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे इटसेल्फ पता नहीं फर्स्ट डे ही था और पता नहीं कहाँ से एक फेदर आ गया वहीं पे, और विद इन अ मंथ ही गॉट अ प्रमोशन। वाह, प्रीवियसली ही वॉज एन डिजाइन हेड एंड नाउ ही इज जनरल असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, ग्रेट, लवली। हाँ, Yes, sir. और बताइए। और उसका हिज पैकेज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम सडनली 25,000 इट वॉज इंक्रीज। बहुत डेली लाइफ पे तो बहुत मिरेकल सर, अगर बोलने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतना मिरेकल सर। अपना नाम बताइए, राजेश्री वाईकर, कहाँ से हैं राजेश्री? कितने पूना महाराष्ट्र, साल की हैं? 45 years। क्या करती हैं? वाह, Presently, I am a healer because of you. और previously was working as an accountant for more than 15 years. मोर देन 15 But इयर्स। yeah, but due to some personal reasons, I have to quit my job. ओके, ग्रेट। तो राजेश जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको एंजल्स के बारे में कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कहाँ से पता चला? So, मेरी एजेंस की जर्नी एक्चुअली 2 साल पहले ही चालू हुई थी, और 2022 में ओके, तभी मुझे बहुत सारे बटरफ्लाईज दिख रहे थे, मीन्स बहुत सारे साइंस थे, लेकिन आई यूज्ड टू गेट वेरी मच इरिटेटेड बाय दैट कि पता नहीं क्या है करके ना, कि यू क्यों घड़ी घड़ी इतने क्लोजली आ रहे, ऐसे चक्कर काट कर रहे हैं ना, चक्कर काट रहे हैं मेरे इसमें। तो तभी मुझे नहीं समझा, पर एक बार क्या हो गया, मैं यूट्यूब पे आपका वीडियो देख रही थी तो सडनली मुझे वो आपका लाइन बहुत कैच कर गया, लॉजिक लॉजिक किल्स मैजिक। तब से फिर कंटिन्यू किया कि आपके वीडियोस में देख रही थी, छोटे छोटे और नोट्स निकाल रही थी उसमें से, और फिर तभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीजन है, कि ये इतना कनेक्शन क्यों है, कि कहाँ पे मैं जा रही हूँ तो सब जगह पे बटरफ्लाई फेदर सब जगह पे थे, पर मुझे वो रीजन नहीं पता था क्या था उसके पीछे ऐसे। ओके, ग्रेट। तो फिर कहाँ से शुरू किया आपने 20 में अपने, मतलब जो जर्नी एंजल्स से शुरू की थी वो कहाँ से शुरू की? मार्च मार्च 2023 में, मार्च 2023 के अंदर आपने जर्नी शुरू। या फिर ओके, फाइन। मैंने प्रीवियसली मैंने 2-3 बार 21 days का लॉगिन किया था कि रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो हो रहा ही नहीं था। अच्छा, तो एक बार ऐसे ही जस्ट मैं बोली ट्राई करती हूँ, तो किया तो वो हो गया सडनली, और मैंने पेमेंट भी कर दिया, क्योंकि प्रीवियसली ना 2 बार ऐसे हुआ कि मैं पेमेंट कर रही थी तो वो हो रहा ही नहीं था पेमेंट, और ओके, थर्ड टाइम ऐसे ही कोइंसिडेंटली कि ठीक है देखती हूँ करके ऐसे किया तो वो हो गया रजिस्ट्रेशन। तो मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। लवली। तो सबसे पहले मुझे बताइए अपने एंजल्स के एक्सपीरियंसेस। तो एंजल के एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, मीन्स ऐसे अनकाउंटेबल है कि बता बता भी नहीं सकते, इतने सारे हैं सर। तो वो बताइए जो सबसे ज्यादा आपके वाओ एक्सपीरियंस। सर मैंने लास्ट ईयर मेरे एक स्कूल फ्रेंड है उसका जॉब प्रमोशन के लिए हीलिंग स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट डे जब मैंने हीलिंग स्टार्ट किया तो फर्स्ट डे इटसेल्फ पता नहीं फर्स्ट डे ही था और पता नहीं कहाँ से एक फेदर आ गया वहीं पे, दैट ओके, मोमेंट इटसेल्फ। तो फिर वो 3 महीने हो गए तो मैंने हीलिंग कर रही थी, पर वो रिजल्ट नहीं आ रहा था उसका ना कि, और वो दैट वाज माय फर्स्ट हीलिंग, तो मैं भी थोड़ा डेस्परेट थी, अरे क्या हो गया ना कि फर्स्ट डे पे रिजल्ट मुझे साइन दिखा एंजल्स का और क्यों अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है करके। तो फिर मैंने अपने काउंसलर शालिनी मिश्रा है वो, उनसे कांटेक्ट किया कि मेरे को ना अरे ऐसे क्यों हो रहा है ना कि आई एम ट्राइंग और नहीं हो रहा करके ऐसे। तो एक दिन सडनली थॉट केम व्हाइल डूइंग हीलिंग कि आई शुड स्विच टू जॉब प्रमोशन। एक्चुअली एक्चुअली ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग ओवर देयर, ही वाज लुकिंग फॉर अनदर जॉब ऐसे। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या करूं करके, चेंज करूं कैसे थॉट आया करके ना, तो ही सेड ठीक है देखते हैं कि ना कि अभी बाहर भी कोई अच्छा जॉब नहीं है विद गुड पैकेज, तो आई विल कंटिन्यू हियर। तो फिर मैंने अपने काउंसलर से भी कंसल्ट किया तो शी सेड ओके कि अगर आया है तो यू गो अहेड, और विद इन अ मंथ ही गॉट अ प्रमोशन। वाह, प्रीवियसली ही वॉज एन डिजाइन हेड एंड नाउ ही इज जनरल असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, ग्रेट, लवली। हाँ, ऐसे और बताइए। और उसका हिज पैकेज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम सडनली 25,000 इट वॉज इंक्रीज। ओके, ग्रेट, ग्रेट।
और मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उसके बेटे का 12th का एग्जाम था अभी बोर्ड का, तो ही वॉज नॉट वेल. तो उसने मुझे बोला अरे कि उसका थोड़ा हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं. मैं बोली आई विल ट्राई, आई विल डू समथिंग. तो मैंने उसको रेकी हीलिंग का सिर्फ सिंबल्स के हीलिंग दिया था, पास किया था रेकी ऐसे. और 2-3 दिन तो ही वॉज वेरी मच अनवेल ऐसे. तो आई डिड फॉर अ वीक, और आफ्टर एग्जाम फिनिश तो ही सेड, शी सेड ओके ठीक है, ही विल जस्ट पास आउट ऐसे. पर अभी लास्ट मंथ जब रिजल्ट निकला तो ही गॉट 97% एंड ही इज द सेकेंड टॉपर इन स्टेट, गुजरात स्टेट. ओ ग्रेट ग्रेट, लवली 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 राजश्री, थैंक यू. लवली। और बताइए अपने एक्सपीरियंस। मेरी मौसी का एक्चुअली आई एम स्टेइंग विथ माय आंट एंड अंकल सिंस आई एम 4 मंथ्स ऐसे. तो उनको 2020 में उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था दोनों आईज का. पर वो तभी क्या हो रहा था, जो नर्व्स है आईज में से ना वो ब्लॉक हो रही थी, ब्लड क्लॉट हो रहे थे वहां से. तो वो उसके लिए हमने कोर्स किया था, इंजेक्शन देते थे तो तभी टाइमिंग वो हील होता था कि शी कैन सी. पर ऐसे बहुत सारे कोर्स किए और बहुत सारा इंजेक्शन दिए, पर उससे टेम्पररी था कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, और फिर उसका विजन ब्लर होता था ऐसे. तो मैंने लास्ट ईयर उसका दिवाली से, नवंबर से आई स्टार्टेड हर क्रॉनिक हेल्थ इश्यू. और फिर 2 मंथ्स बैक शी वॉज सेइंग कि अरे मेरा विजन इज क्लियर, अब मिस ये जो ब्लॉक. कहने का, उसके जो नर्व्स थी, जो चैलेंजेस थे, वो सब ठीक हो गए उसके? यस क्लियर. वाह लवली। और 2 ही महीने में ठीक हो गया सब कुछ? नहीं, नवंबर आई स्टार्टेड सर, 2 महीने पहले मुझे ये पता रियलाइज हुआ कि अरे शी कैन सी इट क्लियरली, ओके और फाइनली, वो मतलब इश्यू रिजॉल्व हो गया ऑलमोस्ट. 5 से 6 महीने हीलिंग करनी। या ओके फाइन, यानी अब उसे कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। नहीं, और नहीं, और वो जो इंजेक्शन का कोर्स था वो डॉक्टर बोल रहे थे कि लाइफ टाइम यू हैव टू टेक इफ यू आर यू कैन अफोर्ड इट, और पर इंजेक्शन दैट कॉस्ट वाज 22,000. ओके ओके ओके, लवली 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 थैंक राजेश्री। और यू सर. बताइए है सर एक्सपीरियंस तो? सर मुझे लास्ट ईयर मिस गार्डियन एंजल्स के बारे में विद इन 3 या 4 मंथ्स ही पता चला कि मेरे गार्डियन एंजल्स कौन है करके. तो मेरे गार्डियन एंजल्स कृष्णा जी है एंड आर्क एंजल राफेल है ऐसे. तो जब आपने अपने 2020 एंजल मैनिफेस्टेशन बुक कैंप कोर्स से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, अपने था मार्च 2023 से, उससे पहले या आपको एंजल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर, भी नहीं नथिंग, पता? नहीं कुछ ग्रेट। तो भी नहीं. फिर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सब जो आपको सुन रहे होंगे राजेश्री, जिनको एंजल्स के यस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, क्या कहेंगे आप उन्हें? सर, मैजिक है, मैजिक मैजिकल है सब ऐसे. किधर कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब चीजें होती है एंड इट वर्क्स रियली. लेकिन राजेश जी, अगर अगर बहुत सारे ऐसे, क्योंकि आपने आप एक अकाउंटेंट, आपने बताया आप एक अकाउंटेंट थी और 15 साल आपने जॉब किया एज या अकाउंटेंट, या तो मैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि वाकई में एंजल से हेल्प लेने से हमें हेल्प मिलेगी। यस सर, मिलती है सब. इतने इतने मिरेकल्स होते हैं डेली लाइफ में कि अगर ट्रैवल वाइल ट्रैवलिंग भी आर्कएंजल राफेल को मैंने इन्वोक किया तो इतना इजीली ट्रैवल होता है कि नो ट्रैफिक, नो इश्यूज. बहुत डेली लाइफ के तो बहुत मिरेकल्स है, अगर बोलने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा इसमें मिरेकल्स अगर सर. वो बोला जाए कहाँ से हम शुरू करें अपने एंजल्स के, अपने अपनी जर्नी को कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? नितिन सर आपसे ये आप लोगों का बड़प्पन है जो आप इतना ज्यादा। नो सर, नो सर, क्योंकि मैंने सर इसके पहले भी 21 डेज का एक ज्वाइन किया था, पर मुझे उतना कनेक्शन नहीं लगा वहां पे ऐसे. दिस इज द अच्छा फैक्ट, ओके, आई वाज आप नॉट कनेक्टेड टू दैट लेडी दैट मच. ओके okay, आपने कहीं और से भी पहले एंजल सा किया था, किया लेकिन था यू यस, डिडंट फील लेकिन मुझे कनेक्टेड। नो 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 रियली नॉट, कुछ भी नहीं, मुझे कनेक्शन ही नहीं फील हुआ. और जब से मैंने पहले तो 21 डेज से तो दिख रहे थे साइंस, और जब मैंने 4 स्टेप लिए तो बहुत सारे साइंस, बहुत सारे डेली मिरेकल्स ऐसे. कहीं मैं जा रही हूँ और कुछ हुआ नहीं, कुछ साइंस नहीं दिख रहे. एंजल्स नंबर तो ऐसे, एंजल नंबर तो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है. ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ कि देख रही हूँ तो कोई एंजल नंबर दिख रहा ही नहीं, ऐसे नहीं है. वाइल ट्रैवलिंग तो पूरा ट्रैफिक में सब कार्स पे पूरा एंजल नंबर ही रहता है, एक नॉट अ सिंगल कार डोंट हैव एंजल नंबर ग्रेट, ऐसे.
ग्रेट राजेश जी, ग्रेट, लवली लवली लवली। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपने अपने समय थैंक यू। को बताने के लिए, व्यूअर्स से सामने अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड राजेश। सर 2 मिनट में कुछ तो दिखाना चाहती हूँ आपको। कलर्ड बिल्कुल फेदर्स है, कलर्ड कलर दिख गया, है, ग्रीन। येलो कलर, हाँ दिख गया, कोर्स में दिख रहा है। सर मेरे पास सब कलर के, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, दिस इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ग्रेट, अच्छा है, बहुत अच्छा है, रखिए इसे अपने पास, एक अपने वेट बॉक्स के अंदर एंजल्स की जो बनानी है अपने, उसमें रखिए अपने। सर एंड दिस वन इज द लेटेस्ट। लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट वीक भी रजिस्टर किया था ना कि मैं शेयर करूंगी, तभी ये दिखा था एमरेल्ड ग्रीन कलर का। और जब भी मैं राफेल को साइन मांगती हूँ तो ग्रीन बटरफ्लाई या ग्रीन फेदर मुझे मिलता ही मिलता है। बिगर ग्रेट, लवली राजेश, साइनस लवली लवली साइनस मीन्स ऐसे ऐसे साइन मांगो और मिलता नहीं, ऐसे होता ही नहीं है कभी भी सर ऐसे। लवली लवली, एंजॉय कीजिए, ऑलवेज ब्लेसेस थैंक आपसे, यू, थैंक यू सर। ऑलवेज।